आइकॉन चले, भारत माता की लाल चले, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। सिनेमा हॉल में हम लोग ने द केरला स्टोरी मूवी हम लोग ने देखा। सभी किन्नर बच्चे और छोटे छोटे बच्चिया लोग के साथ में आज मेरे नेतृत्व में इस मूवी को देखा गया। इस मूवी को देखने का मेन उद्देश्य, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को कैसे फुसला के प्यार में उन लोग फंसा के कैसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इसकी रोकने के लिए हम लोग में अब जितने हमारे सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, इसको रोकने के लिए अब हम लोग को जागना चाहिए। और इस मूवी के माध्यम से कहीं ना कहीं इस संदेशा हम लोग तक पहुंचता है कि हम लोग अभी भी बहुत ही मतलब अपने धर्म को लेके बहुत हम लोग में संकुचित सोच है। अब हम लोग को उठ के या अपने को जागृत करके अपने धर्म के रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और अपने बहन अपने बच्चिया को इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में, अपने परम्परा के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना चाहिए। और ये तीन बेटिया के कहानी को बताया जाता है केरल स्टेट के। मैं कहती हूँ कि अभी हम लोग जितने हम लोग हिंदू नहीं जागेंगे तो कल पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कहानी आपको सुनने को मिलेगा और ऐसे कहानी देखने को मिलेगा। इसीलिए अब जागने का समय है, अब हम अपने आप को समाज में बताने का समय है, ऐसे इस दलदल से अपने बहन बेटी को बचाने का समय है, और हम लोग अब जागृत होके इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, और जैसे हमारे बच्चिया लोग को, हमारे हिंदू बच्ची लोग को कैसे उस दलदल में ले जाया जाता है, इस चीज़ को दिखाया गया है। और इस मूवी से हम लोग को यही संदेशा मिलेगा कि हम लोग को कैसे ऐसे दलदल से बचना चाहिए। ट्रांसजेंडर का सबसे ज़्यादा इस्लामीकरण और धर्मांतरण हुआ है।